हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह और सीखो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट ब्लाउज की पैटर्न्स लाए हैं। देखिए, बोट नेक के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिजाइन से, ये भी बोट नेक के नीचे आपको डीप नेक मिलेगा, बहुत ही अलग और लेटेस्ट मिलेगा। ये वी शेप में है फ्रेंड, ये फ्रंट में और ये बैक में वन साइड पर पैटर्न्स स्टिक पैटर्न्स जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लेटेस्ट हैं। ये राउंड नेक पर आप डिज़ाइन देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे डिज़ाइन से फ्रेंड। ऐसे डिजाइन अगर देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये राउंड नेक पे आपको बहुत ही समोसे डिजाइन पे बहुत ही अलग और लेटेस्ट फैशन है फ्रेंड। ये बॉम डिजाइन का अभी बहुत ज़्यादा लुक और ट्रेंड भी है। इस तरह से नेट के ऊपर आप इस तरह से पैटर्न पे बहुत ही अलग और लेटेस्ट डिजाइन बना सकते हैं। ये बोट नेक के ऊपर आपको एकदम अलग और यूनिक पैटर्न मिला, ये आप देख ही सकते हैं कि आप फ्लावर पैटर्न पे कितना अच्छा लुक है फ्रेंड। ये बोट नेक के नीचे आपको इस तरह से आई शेप से लेकर आपको अलग डिजाइन मिल जाएगी। राउंड नेक पे एकदम अलग और यूनिक डिजाइन है फ्रेंड। ये भी आपको वन साइड डिजाइन, वन साइड आपको मोती से कुछ गेटअप किया गया है। ये आपको राउंड पे पान शेप का बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न दिया गया है। ये आपको स्क्वायर नेक के नीचे एकदम अलग और यूनिक डिजाइन से ये पान गला है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट है। तो इस तरह के डिजाइन हम आपके लिए लाते रहते हैं, आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिलता है, आप लोग को इस डिज़ाइन से आइडिया भी आते हैं। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम इसका ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसे आपके लिए और डिज़ाइंस लाते रहेंगे। तो डिज़ाइंस में आपको क्या देखना है, किस टाइप की वीडियो देखनी है फ्रेंड, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। और आप लोगों के कमेंट से और लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, इसलिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाते भी हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना, फुल वॉच करना, मस्त रहना।